सोमवार को पत्र परिषद के दौरान राज्यसभा द्वारा पारित कृषि बिल की जानकारी विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने दी। इस दौरान इस बिल के मद्देनजर फडणवीस ने शिवसेना पर निशाना साधा और उन्हें एक कंफ्यूज पार्टी कहा है। इस मुद्दे को लेकर आगामी चुनाव जीतने का दावा भी फडणवीस ने किया है। दरअसल शिवसेना ने राज्यसभा में इस बिल का विरोध किया है। शिवसेना ने राज्यसभा में कृषि विधेयक का विरोध करते हुए सवाल किया, यह बिल इतना प्रभावी है तो क्या सरकार यह गारंटी देगी कि कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। फडणवीस ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना कोई भी मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकती और उन्हें अब इसकी आदत हो गई है, उन्हें इस व्यवहार से अब आश्चर्य नहीं होता है। फडणवीस ने कृषि संबंधी सुधारित बिल के बारे में कहा, ये बिल ऐतिहासिक है और किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देते हैं। उनकी रणनीति यह कहने की है कि उन्होंने राज्यसभा में बिल का विरोध किया जब उन लोगों के पास गए जिन्होंने इसका विरोध किया और लोकसभा में इसका समर्थन किया। वास्तव में शिवसेना को पहले अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। पहली गोष्ट तर शिवसेना एक कन्फ्यूज पक्ष है, याचं कारण लोकसभेतली त्यांची भूमिका वेगळी होती आणि राज्यसभेतली त्यांची भूमिका वेगळी आहे। पण यात नवल काही नाही आहे, शिवसेनेला ही सवय आहे की आमच्यासोबत जेव्हा सत्तेत होते तेव्हा सत्तेचंही त्या ठिकाणी ते म्हणजे सत्ताही चालवायचे आणि विरोधी पक्षाची भूमिकाही ते करायचे। त्यामुळे ते लोकसभेत वेगळं बोलतात, ते राज्यसभेत वेगळं बोलतात, त्यामुळे जे समर्थन करतात त्यांच्यात गेलं तर ते सांगतात की आम्ही लोकसभेत समर्थन केलं आहे, जे विरोध करतात त्यांच्यात गेलं तर सांगतात आम्ही राज्यसभेत विरोध केला आहे। मग त्यांना खरं म्हणजे पहिल्यांदा शिवसेनेने भूमिका केली पाहिजे आणि शेती संदर्भात शिवसेनेने कधी भूमिकाच मांडली नाही आहे, सांगा ना कुठली भूमिका आहे। आणि मी तर त्याच्या पलीकडे जाऊन सांगतो की आता मला त्यांना आव्हान करायचं आहे की राज्यात त्यांचं सरकार आहे, आता त्यांनी गॅरंटी घ्यावी ना एकही आत्महत्या होणार नाही। ते जर एवढं शिकवतायत तर राज्यात त्यांचं सरकार आहे, त्यांच्या सरकारमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या इतक्या का वाढल्या याचं उत्तर संजय राऊत देतील का? निव्वळ राजकारण करायचं कधीतरी सोडलं पाहिजे आणि शेतकऱ्यांकरता ठाम भूमिका ही कधीतरी शिवसेनेने घेतली पाहिजे असं आमचं मत आहे। जहां एक और फडणवीस ने शिवसेना के विरोध को अर्थहीन और पार्टी को कंफ्यूज कहा, उन्होंने दावा किया है कि कृषि संबंधित मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और इस पर सफलतापूर्वक जीत हासिल करेंगे। ये जो कानून है ये कानून किसानों के हित में है, इसको मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं है, किसान ही उसके ऊपर हमको वोटिंग करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में चुनाव भी हम लोग जीतने वाले। राहुल गांधी अगर 2019 का अपना मैनिफेस्टो पढ़ते, उनको तो पता ही नहीं होता ना मैनिफेस्टो में क्या है, मैनिफेस्टो दूसरे तैयार करते, तो अगर वो पढ़ लेते तो इस तरीके की बात राहुल जी नहीं करते, क्योंकि उनको पता चलता कि इसका मतलब 2019 में वो पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे थे ऐसा उसका मतलब जाएगा। और वैसे भी राहुल जी अभी शायद भारत में नहीं, ऐसा मुझे पता चला है, तो जो इन्फॉर्मेशन जाती है उस पर कोई ना कोई उनका ट्वीट करता होगा, पर वो अगर 2019 का अपना मैनिफेस्टो पढ़े तो इस प्रकार की बात नहीं कहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मौर्य के साथ दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट, INBCN न्यूज़ नागपुर।